गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये सेकेंड सेशन है आपका एडिटोरियल का, और पहला जो सेशन मैंने दिया हुआ था, बच्चों का जो रिस्पांस रहा वो बहुत पॉजिटिव है और बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि एडिटोरियल को रेगुलर किया जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये रेगुलरली दिया जाए, आपको यानी पर डे आपको दिया जाए, बट कभी कभी बीच में गैप्स हो सकते हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और इस एडिटोरियल को जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अलग से की हुई हैं, स्पेशली जो इन पैसेजेस में दिए गए कॉमन एरर्स हैं उनसे संबंधित। पिछले एडिटोरियल में मैंने अलग अलग कॉमन एरर्स दिए थे पैसेज वाइज, अब की मैंने 15 कॉमन एरर्स जो इन पर बनते हैं उन्हें एक साथ कर दिया है। आप उन्हें सॉल्व करिएगा, मैं कोशिश करूंगा लास्ट में एडिटोरियल के मैं उनका आंसर्स में जोड़ दूँ। करने के बाद आप उनसे मैच करा सकते हैं कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है, लेकिन करिएगा जरूर, क्योंकि एडिटोरियल पढ़ने के दो फायदे मेन हैं। पहला कि आप अपनी वर्ड पावर बेहतर कर सकते हैं, जो कि बहुत बेहतर हो सकती है अगर आप रेगुलरली इसे पढ़ते हैं तो, और दूसरा इन पर दिए गए जो ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं यदि आप उन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लें क्या हमें करना है। ये सामने पैसेजेस हैं आपके जो आपको पढ़ते जाना है, देख रहे होंगे, ये मैं आपको बताता जाऊंगा विद ग्रामर विद वर्ड पावर। और फिर इसके बाद ये सारे जो कॉमन एरर्स मैंने आपको 15 दिए हैं, आप इन्हें सॉल्व करिएगा। ये 15 कॉमन एरर्स देख रहे होंगे आप, ये 15 कॉमन एरर्स हैं। इनके बाद टेस्ट योर सेल्फ, यानी इस एडिटोरियल में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे 30 के क्रम में मैंने आपको दिया हुआ है, आपने जरूर तैयार करिएगा। और इनमें से भी जो 20 सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पे आपको विद हिंदी विद मीनिंग, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, सरोनिम्स जहाँ तक हुए जो इनके एंटोनिम्स हैं, और हर एक शब्द का एग्जाम्पल मैंने आपको बना के दिया हुआ है। आप कोशिश करिएगा, इन्हें तैयार करिएगा। मैं जल्दी ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसके लिंक्स आपको दे दिए जाएँ ताकि आप इनको और बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो, बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये 20 वर्ड्स हैं आपके जो मैं चाहूँगा पहले मैं आपको बोल लूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। चलिए, तो पहला वर्ड आप देख रहे होंगे, पहला वर्ड है आपका कोहेसिव। कोहेसिव मीन्स जोड़ने वाला, जो चीजें संगठित होती हैं, तालमेल युक्त होती हैं, वो कोहेसिव होते हैं। दूसरा वर्ड है आपका होस्ट। होस्ट अगर हम एक नाउन के रूप में यूज करें तो जो फूलों वगैरह के झुंड होते हैं उनके लिए भी यूज करते हैं, और अगर एक वर्ब के रूप में यूज करें तो आप जानते होंगे गेस्ट मीन्स मेहमान होता है और होस्ट मीन्स मेजबान होता है। तो वर्ब के रूप में होस्ट मीन्स मेजबानी करना, अर्थात किसी को आमंत्रित करना, उसे बुलाना। नेक्स्ट वर्ड आपका है डोमिनेंस। आप समझते होंगे एक वर्ड तो बहुत यूज करते होंगे आप, डोमिनेट, अर्थात किसी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, ये नाउन हो जाएगा डोमिनेंस। डोमिनेंस मीन्स प्रभुत्व, अर्थात किसी पर अपनी प्रबलता प्रदर्शित करने की क्रिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका अलायंस। समझते होंगे अलायंस मीन्स अलाय से बना है, अलाय मीन्स आपका साथी होता है, तो अलायंस साथी लोगों का समूह, अर्थात पूरा उनका संगठन या गठबंधन जिसको आप कहते हैं वो अलायंस होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है काउंटिनेंस। काउंटिनेंस समझते होंगे आप, काउंटिनेंस अगर आप एक नाउन के रूप में लेते हैं, काउंटिनेंस चेहरे के जो हाव भाव होते हैं उसे कहते हैं, और अगर एक वर्ब के रूप में लेंगे जैसा कि यहां शायद मिले आपको, काउंटिनेंस किसी का समर्थन करना, किसी के जैसी मुखाकृति बनाना, इस सेंस में भी आप यूज करते हैं। राइवल अगर कोई आपका है तो वो आपकी राइवलरी आपसे रख रहा है, मीन्स दुश्मनी रख रहा है, तो राइवल मीन्स आपका प्रतिद्वंदी, आपका दुश्मन। इम्पार्ट क्या करना होता है, इम्पार्ट मीन्स किसी को प्रदान करना, किसी को देना, कोई सूचना देना, कोई चीज पहुंचाना, कन्वे करना, इस सेंस में इम्पार्ट होता है। इम्पल्स क्या होती है, पल्स से बनी है, मीन्स प्रेरणा, कोई ऐसी चीज जो आपके अंदर एक प्रेरक रूप में उत्पन्न हो रही हो वो चीज इम्पल्स कहलाती है, मीन्स लालसा, प्रेरणा। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, वायबल। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वायबल मीन्स होता है उचित, जो चीजें फीजिबल होती हैं, सूटेबल होती हैं, एप्ट होती हैं, वो वायबल होती हैं। वायबल मीन्स उचित, सही। टैंडम क्या होता है, टैंडम मीन्स कोई ऐसी चीज जो आप मिलजुल कर करते हो, एक्चुअली इसका जो यूज होता है वो इन टैंडम के अर्थ में होता है, मीन्स मिलजुल कर कोई कार्य करना, तो टैंडम मीन्स मिलकर मिलजुल कर। नेक्स्ट दो वर्ड्स आपके पास हैं, मैनिफेस्टो, जो आप जानते ही हैं, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो जो सरकारें होती हैं, मीन्स जो पार्टियां होती हैं, वो अपने अपने मैनिफेस्टो जारी करती हैं, मीन्स
घोषणा पत्र जारी करते हैं। एक्मोडेट क्या होता है? यहां जो एक्मोडेट किया गया है, दिया गया है, एक्मोडेट मीन्स स्थान देना होता है किसी जगह पे। एक और एक्मोडेट आप समझते हैं, एक्मोडेट मीन्स ढालना, एक्लिमेटाइज करना, एडेप्ट करना, मीन्स अपने अनुकूल बना लेना, वो भी होता है। लेकिन यहां जो एक्मोडेट है, स्थान देना किसी को। नेक्स्ट दो वर्ड्स आपके हैं नेविगेट। तो जीपीएस सिस्टम आप समझते होंगे, नेविगेशन भी आप समझते हैं। तो नेविगेट क्या है? आपको कहीं किसी जगह पे संचालित करना, आगे लेकर बढ़ने वाला, नेविगेटिंग होता है। तो नेविगेट संचालन करना। ओवरलैप क्या होता है? जैसे कोई चीज हमसे भी संबंधित है, कोई चीज किसी और से भी संबंधित है, तो हम दोनों लोग ओवरलैप करते हैं। अर्थात थोड़े थोड़े अंश अगर दोनों के कॉमन हो तो हम ओवरलैप कर रहे हैं, मीन्स परस्पर व्याप्त हो रहे हैं, दोनों लोगों से संबंधित होना। नेक्स्ट दो वर्ड्स क्या है आपके? अकिन, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अकिन मीन्स एक समान, अलाइक जिसको आप कहते हैं, यानी अकिन मीन्स एक समान या अलाइक। सस्टेन भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मीन्स किसी चीज को बनाए रखना, जीवित रखना, सस्टेन करना होता है। नेक्स्ट दो वर्ड्स हैं ब्रेन चाइल्ड। ब्रेन चाइल्ड समझिए, ब्रेन चाइल्ड जो चीज आपके दिमाग की उपज हो, अर्थात आपकी रचना हो, आपकी कृति हो, वह ब्रेन चाइल्ड है। कंटेंसस कंटेंट से बना है। कंटेंट में जानते होंगे बहुत अधिक बहस करना, तर्क वितर्क करना। जो लोग कंटेंशस होते हैं वो कलहप्रिय होते हैं, बहुत तर्क वितर्क करते हैं। और लास्ट वर्ड्स हैं आपके पास कंसेंसस। समझते होंगे बहुत बार बहुत सारी चीजों को लेकर के एक आम सहमति होती है, वो आम सहमति जो होती है वही कंसेंसस होती है। और ऑप्टिक्स, कहीं भी ऑप्टिकल लगा है समझते होंगे, देखने से संबंधित होता है। तो ऑप्टिक्स किसी कार्य या किसी घटना को देखने का जो तरीका होता है लोगों का, वो उनके ऑप्टिक्स होते हैं। तो चलिए, ये 20 वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, इन वर्ड्स को आप ध्यान दें। और आप समझते होंगे द हिंदू के सबसे अधिक वर्ड्स होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको एसएससी स्पेशली एसएससी बैंक रेलवे में आपको मिल जाते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल के साथ। ध्यान रखिएगा 15 कॉमन एरर्स मैंने आपको दिए हैं, उन्हें करना न भूलिएगा, क्योंकि वो ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आपके यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना, और आराम से पढ़िए, समझिए। जहां आपको दिक्कतें हो मेरे से शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहिएगा ये चीजें और बेहतर हो सके, मुझे एनकरेज भी करने की कोशिश करेगा ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। तो चलिए देखते हैं हमारी पहली हेडिंग क्या है। मेन यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। यूनिटी तो बच्चा बच्चा जानता है, हमें होनी भी चाहिए। यूनिटी मीन्स एकता होती है, और स्ट्रेंथ मीन्स ताकत शक्ति होती है, यानी एकता और शक्ति। ऑन द अपोजिशन रैली, यानी ये एडिटोरियल है किस चीज पर है? ऑन द अपोजिशन रैली। अपोजिशन समझते होंगे, अपोज से बना है, अपोजिशन विपक्ष प्रतिपक्ष, और रैली मीन्स जमावड़ा जमघट, लोगों का एकत्र होना, एकत्र करना। तो ऑन द अपोजिशन रैली यानी विपक्ष के नेताओं के द्वारा जो रैली की गई थी उसी पर ये पूरा आपका एडिटोरियल है। नेक्स्ट है अपोजिशन पार्टीज, यानी जो विपक्षी पार्टियां हैं, नीड। देखिए यहां अपोजिशन पार्टीज था प्लूरल, तो फिर नीड आपका प्लूरल यूज किया गया। यहां पे आपको नीड्स दे करके आपको कॉमन एरर किया जा सकता है। तो अपोजिशन पार्टी नीड्स, नीड यानी विपक्षी पार्टियों को जरूरत है अ कोहेसिव फ्रेमवर्क। कोहेसिव मीन्स संगठित, और फ्रेमवर्क ढांचा होता है, फ्रेम किसी चीज का, तो ढांचा। तो अपोजिशन पार्टीज नीड अ कोहेसिव फ्रेमवर्क, यानी विपक्षी पार्टियों को संगठित ढांचे की जरूरत है टू बी अ वाइबल अल्टरनेटिव। वाइबल याद करें उचित समुचित, एक उचित अल्टरनेटिव टू बी बनने के लिए, यानी बेहतर उचित विकल्प बनने के लिए एक संगठित ढांचे की जरूरत है टू द बीजेपी। इसका विकल्प बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का, यानी भारतीय जनता पार्टी का एक वाइबल अल्टरनेटिव बनना है। यदि उचित विकल्प बनना है तो कोहेसिव फ्रेमवर्क चाहिए, संगठित ढांचे की नीड है, जरूरत है किसको? अपोजिशन पार्टीज को, यानी विपक्षी पार्टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, करें इट इज ऑलवेज इजियर।
इजियर समझते होंगे, इजी का कंपैरेटिव डिग्री है, यहां एग्जाम में आपको इजीएस्ट लगा करके आपको एरर दिया जा सकता है, क्योंकि आगे देख रहे होंगे यहां पे देन है तो इजीएस्ट नहीं हो सकता है। एक और चीज है, दो ही चीजों के बीच में तुलना है, द एंड्स और द मीन्स, तो फिर इजीएस्ट हो भी नहीं सकता है, यहां इजियर ही रहेगा आपका। करें, इट इज ऑलवेज इजियर, ये हमेशा आसान होता है, टू एग्री सहमत हो जाना, ऑन द एंड्स मकसद पर अपनी उद्देश्यों के लिए, देन किसकी अपेक्षा, ऑन द मीन्स अपनी साधनों की अपेक्षा, रास्तों की अपेक्षा, यानी जो हमारे मीन्स है अर्थात जो हमारे माध्यम जो रास्ते हैं इन पर सहमत होने की अपेक्षा, ऑन द एंड्स अपनी मकसद पर अपने उद्देश्य पर एग्री कर लेना, इट इज ऑलवेज इजियर, हमेशा क्या होता है, आसान होता है। यहां एक चीज देख रहे होंगे आप, एग्री है ना, एग्री के साथ ऑन दिया गया, जो भी बच्चे पढ़ते हो मैंने बताया था जब आप किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो एग्री विद का प्रयोग करते हैं, जब आप किसी के प्रपोजल से सहमत होते हैं तो एग्री टू का प्रयोग करते हैं, और जब भी आप किसी टर्म पर अर्थात किसी टॉपिक वगैरह पे सहमत होते हो तो वहां पे आप एग्री ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसा यहां देखिए टॉपिक है ना, टू एग्री ऑन द इंस देन ऑन द मीन्स, यानी कोई प्रपोजल तो है नहीं, कोई व्यक्ति तो है नहीं यहाँ पे, तो ये चीज है जिस पर ऑन का प्रयोग किया गया। तो इट इज ऑलवेज इजियर, हमेशा आसान होता है, टू एग्री सहमत होना, ऑन द इंस मकसद के लिए, देन ऑन द मीन्स किसकी अपेक्षा, उस चीज के साधन के। अपोजिशन पार्टीज यानी विपक्षी पार्टियां, दैट केम, ध्यान रखिएगा ये दैट किसके लिए है, अपोजिशन पार्टीज के लिए। एक चीज और, अगर आपको बेहतर बनना है कॉमन एरर्स वगैरह में, तो जैसे आपने पढ़ा ना अपोजिशन पार्टीज और फिर यहां पे दैट आ गया, हमने अभी भी अपोजिशन पार्टीज का वर्ब नहीं लिया है, इसका मतलब आगे ध्यान रखिए कि जब भी वर्ब मिले आपको तो वो ध्यान रखिएगा वो अपोजिशन पार्टीज के अनुसार ही रहेगा, जैसा कि अक्सर कॉमन एरर में आपको दिया जाता है। तो अपोजिशन पार्टीज दैट केम टुगेदर, कम टुगेदर समझते होंगे, साथ साथ आना, यानी विपक्षी पार्टियां दैट केम टुगेदर, जो एक साथ आई एट द कोलकाता रैली, एक स्थान है यहां एट का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक पॉइंट दिया गया है इसलिए एट का प्रयोग किया गया। यदि कहीं पर आपको पूरा डायमेंशन वगैरह सारी चीजें दिखाई जाती जैसे कोई कमरे में है तो वहां एट नहीं होता है, इन होता है। तो एट द कोलकाता रैली, यानी कोलकाता रैली में होस्टेड बाई, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, होस्टेड बाई आयोजित किया गया, आमंत्रित किया गया, या वो बैठक की गई या मेजबानी की गई बाई तृणमूल कांग्रेस लीडर ममता बनर्जी, किसके द्वारा, तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के द्वारा। फिर से देखते हैं, अपोजिशन पार्टीज यानी वो अपोजिशन पार्टियां That came together at the Kolkata rally, जो कोलकाता रैली में इकट्ठी हुई, hosted by तृणमूल कांग्रेस लीडर ममता बनर्जी। ये hosted by किसके लिए है, उस रैली के लिए है, यानी जो रैली तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी जी के द्वारा आयोजित की गई थी। अब यहां देखिए, ये अपोजिशन पार्टीज था ना, मैंने कहा था अभी इसकी वर्ब नहीं आई है, अब देखिए यहां पे है वर्ब आपकी हैड, हो जाएगा ना, वो अपोजिशन पार्टीज हैड अ कॉमनैलिटी ऑफ पर्पस, कॉमन तो समझते होंगे जो आम है, जो दोनों लोगों में पाया जाता है वो कॉमन है, तो हैड अ कॉमनैलिटी ऑफ पर्पस यानी इन अपोजिशन पार्टीज में उद्देश्य की क्या थी, कॉमनैलिटी, समरूपता, यानी सभी पार्टियां जो वहां इकट्ठी हुई थी उनका एक ही उद्देश्य था, और संयोग से देखिए उद्देश्य क्या था, डिफीटिंग द भारतीय जनता पार्टी। जब भी किसी पार्टी का नाम हो तो हमेशा उसके पहले क्या लगाइएगा, द लगाइएगा, देखिए यहां पे जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द समाजवादी पार्टी, द बहुजन पार्टी, ऐसे। तो उन अपोजिशन पार्टीज का जो मकसद था, उद्देश्य था, वो कॉमन था बिल्कुल, ठीक है, और वो कॉमन उद्देश्य उनका क्या था, समझ में आया ना आपको, वो कॉमन उद्देश्य था डिफीटिंग द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को हराना, बट लिटिल इल्स यानी इसके अलावा कुछ भी अन्य नहीं था, यानी केवल उनका एक उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, हराना है। याद रखिएगा
लोग अपने घर की कलर टीवी से उतना खुश नहीं होते हैं जितने दुखी वो बगल वाले की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से हो जाया करते हैं। यानी उनका मकसद ये नहीं था कि वो कुछ बेहतर करें, बेहतर मकसद के लिए वहां पे हो, उनका मकसद केवल ये था कि भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, हराना है। आपने एक डायलॉग सुना होगा, तुम हारते रहे क्योंकि तुम मुझे हराने की सोचते रहे, मैं जीतता रहा क्योंकि मैं जीतने की सोचता रहा। लोगों को हराने में ऊर्जा कम खर्च करिए, अपने जीतने में ऊर्जा ज्यादा खर्च करिए। कनेक्ट टू शेयर अ डेस, यानी एक मंच शेयर करना, मंच साझा करना, एंड होल्ड हैंड्स और हाथ मिलाना इज वन थिंग, ये एक चीज। यानी हम मंच साझा करते हैं, हाथ मिलाते हैं, इज वन थिंग, एक चीज है, लेकिन टू शेयर सीट्स तो, लेकिन सीटों का बंटवारा करना एंड वर्क इन टैंडम, अभी मैंने कहा था ना इन टैंडम मीन्स मिलजुल कर, एंड वर्क इन टैंडम और मिलजुल करके कार्य करना इज क्वाइट अनदर, ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट। एक चीज देखिएगा आप, एग्जाम में आपको देता है, यहां है ना वन थिंग है, यहां इज वन थिंग था, तो एग्जाम में आपको यहां जहां अनदर लिखा है यहां द अदर लिख के देता, तो वन थिंग का कॉम्बिनेशन अदर से नहीं होगा, अनदर से होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो फिर से देख लें, करे टू शेयर अ डैश एंड होल्ड हैंड्स, यानी मंच साझा करना और हाथ मिलाना इज वन थिंग, ये एक चीज है। टू शेयर सीट्स, सीटों का बंटवारा करना, एंड वर्क इन टैंडम और मिलजुल कर कार्य करना इज क्वाइट अनदर, ये बिल्कुल अलग है, दूसरा कार्य। इवन सो, यदि ऐसा भी हो तो, यानी यदि दिक्कतें हो, परेशानियां हो, यदि ऐसा हो तो भी, फार ओवर 20 पार्टीज, करीब 20 से अधिक पार्टीज के लिए, और यहां देखिए ये क्या उसे कहते हैं, केस इन अपोजिशन, वो पार्टीज जो बिग एंड स्मॉल हो, चाहे उसमें बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, सम विद ओपर ओवरलैपिंग सपोर्ट बेसिस, कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिनके जो वोटर वोट बैंक्स हैं वो कॉमन है, ओवरलैप है, अर्थात कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो दोनों से बिलोंग करते हैं, वो 20 से अधिक पार्टियां टू कम टुगेदर, क्या हुई, एक साथ आई ऑन वन प्लेटफॉर्म, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर, और ये इज इन इटसेल्फ रिमार्केबल, ये खुद में ही बहुत अच्छी चीज। यानी तमाम चीजें हो सकता है, मंच साझा करना, हाथ मिलाना अलग हो सकता है शीट का शेयर करना और फिर मिलजुल के काम करना ये अलग चीज हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि उन 20 पार्टियों का एक साथ आना, उनमें कुछ बड़ी पार्टियां हैं, कुछ छोटी पार्टियां हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिनके जो सपोर्ट बेसिस हैं वो समान हैं, एक ही जैसे हैं, फिर भी उन 20 पार्टियों का टू कम टूगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पे आना इज इन इटसेल्फ रिमार्केबल, ये खुद में ही रिमार्केबल है, खुद में ही अनुकरणीय है। ध्यान से देखिए सब्जेक्ट क्या है, पता है आपका यहाँ पे, टू कम टूगेदर। कभी भी, कल भी मैंने कहा था, अगर कोई जीरंड या कोई इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, देखिए इस यहाँ पे दिया गया है ना, तो टू कम टूगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म इज इटसेल्फ रिमार्केबल। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इट इज द डोमिनेंस ऑफ द बीजेपी, डोमिनेंस मीन्स प्रभुत्व, ताकत, इट इज द डोमिनेंस ऑफ द बीजेपी, यहां देखिए बीजेपी है ना और द लगा हुआ है, इट इज द डोमिनेंस ऑफ द बीजेपी, यानी ये भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके उसके संरक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण, और इसे ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर के पहले द लगता है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर के साथ वो नाम जुड़ जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी यहां पे है, तो एग्जाम में आपको प्राइम मिनिस्टर के पहले द लगा देंगे, चूंकि गलत होगा। चलिए फिर से देखते हैं, अरे इट इज द डोमिनेंस ऑफ द बीजेपी, यह बीजेपी का प्रभुत्व है अंडर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में, बिगिनिंग विद, जिन्होंने शुरुआत की है द 2014 लोकसभा इलेक्शन, 2014 के लोकसभा इलेक्शन की
दैट, ये दैट किसके लिए पता है? इलेक्शन के लिए. दैट हैज फोर्स्ड, जिसने उन्हें मजबूर कर दिया है, दीज पार्टीज इन पार्टीज. वैसे दैट आप चाहे तो डोमिनेंस के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि उस प्रभुत्व ने उन्हें मजबूर कर दिया है, फोर्स्ड दीज पार्टीज, इन्हीं उन पार्टियों को, टू योक देमसेल्व्स टुगेदर. दो चीज यहां देखते हैं. पहला, दैट हैज फोर्स्ड. देखिए हैज का प्रयोग है और हैज प्रेजेंट परफेक्ट में आता है और परफेक्ट हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है. तो दैट हैज फोर्स्ड, इस चीज ने मजबूर कर दिया है दीज पार्टीज इन पार्टीज को, टू योक देमसेल्व्स टुगेदर. आप इस शब्द को शायद समझते हो या समझ लें. योक वो जुआठा होता है जो बैलों के गले में बांध दिया जाता है ताकि वो हल को बेहतर तरीके से खींचे, मेहनत करे वो. अर्थात वो मिलजुल करके खींच रहे हैं ना. तो योग दो होता है, योग कष्ट होता है, गुलामी होती है, दास्ता होती है नाउन के रूप में, और उसी योग में काम करना, बैलों की तरह काम करना, मीन्स कार्य करना मिलजुल करके. ठीक है, तो करें दैट हैज फोर्स्ड दिस पार्टी, जिसने इन पार्टीज को मजबूर कर दिया, टू योक देमसेल्व्स टुगेदर, ये एक साथ मिल करके जुड़ करके कार्य करें ताकि ये उस भाजपा को हरा सके, जिसे हराना ही इनका क्या है, मकसद. अलायंसेस याद होगा, गठबंधन. अलायंसेस दैट, अब ध्यान से देखें फिर से मेरी बात. अलायंसेस है ना, फिर दैट हेड आ गई, एडजेक्टिव क्लास आ गया. इसका मतलब क्या है कि आगे अलायंसेस जो यहां सब्जेक्ट था उसकी वर्ब आपको मिलेगी. ये चीज ध्यान में रखेंगे, कई सारी चीजें आपकी बेहतर होगी. अलायंसेस यानी वो गठबंधन, दैट हैड सीम्ड इम्पॉसिबल. हैड सीम्ड समझते होंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने कहा परफेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म. तो वो अलायंसेस, वो गठबंधन, दैट हैड सीम्ड इम्पॉसिबल, जो असंभव प्रतीत होते थे जस्ट अ ईयर एगो, ठीक एक साल पहले. एक साल पहले जो गठबंधन असंभव से प्रतीत होते थे, कैसे, सच एस दोज बिटवीन. ये दोज पता है किसके लिए, ये दोज इसी अलायंसेस के लिए लगाया गया. आपके एग्जाम में यहां पे दैट लिखा जा सकता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दैट किसके लिए होगा, अलायंसेस, अलायंसेस प्लूरल है, तो दैट कैसे हो जाएगा. फिर से देखते हैं, करें अलायंसेस दैट हैड सीम्ड इम्पॉसिबल जस्ट अ ईयर एगो, यानी वो गठबंधन दैट हैड सीम्ड इम्पॉसिबल, जो असंभव से प्रतीत होते थे जस्ट अ ईयर एगो, ठीक एक साल पहले, सच एज दोज, जैसे कि वो गठबंधन बिटवीन द एसपी एंड द बीएसपी. देखिए पार्टियां हैं, द लगा हुआ है. एक और चीज ध्यान में रखिएगा, दो ही पार्टियों को दिखाया गया ना, द एसपी एंड द बीएसपी, देखिए क्या लगा है, बिटवीन. यहां आपको एमंग देकर के कॉमन एरर दिया जा सकता है या इंप्रूवमेंट दिया जा सकता है. तो सच एज दोज बिटवीन द एसपी एंड द बीएसपी, जैसे कि गठबंधन सपा और बसपा में हो इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में द टीडीपी एंड द कांग्रेस इन आंध्र प्रदेश, और तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस में आंध्र प्रदेश में गठबंधन हो, एंड द कांग्रेस एंड द जेडीएस इन कर्नाटका, और कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर में, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, एच डी देवेगौड़ा जी के संरक्षण में चलती है, उनके बीच में गठबंधन हो. नाउ एडवर्ब है ना, हैव, याद है हैव किसके लिए है आपको, कहा था ना आपने अलायंसेस से शुरुआत की थी, तो अब उन अलायंसेस के लिए क्या लगा है, हैव, या हैज लगा करके आपको एरर दिया जा सकता है. तो फिर देख लें, यानी वो अलायंसेस दैट हैड सीम्ड इम्पॉसिबल, जो असंभव से प्रतीत होते थे, जो असंभव से प्रतीत होते थे जस्ट ईयर एगो, ठीक एक साल पहले, सच एज, कैसे गठबंधन, सच एज दोज, ऐसे गठबंधन बिटवीन द एसपी एंड द बीएसपी उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी के बीच में होना हो, द टीडीपी एंड द कांग्रेस इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस के बीच में होना हो, एंड द कांग्रेस एंड द जेडीएस इन कर्नाटका, और कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के बीच में होना हो, ऐसे गठबंधन, ऐसे अलायंसेस नाउ हैव अ सेटल्ड लूप. अब इनके प्रति एक सेटल, स्थापित भाव है, यानी अब उन्होंने अपने सारे झगड़े सेटल कर लिए, निपटा लिए हैं, और उनके जो भाव है, उनकी सोच है, वो समान हो गई है.
वही गठबंधन जो एक साल पहले लगता था कि सपा और बसपा में नहीं हो सकता है, तेलुगु देशम और कांग्रेस में, आंध्र प्रदेश में नहीं हो सकता है, और कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेकुलर में नहीं हो सकता है, अब हैव अ सेटल्ड लुक। अर्थात उन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया है, उन्होंने अपने सारे मनभेद मतभेद दूर कर लिए। द तृणमूल एंड मिस बनर्जी, द तृणमूल जानते होंगे, बंगाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, एंड मिस बनर्जी, आपको ये समझते हैं MS गॉड, एक्चुअली जब हम किसी को मिस ये कहते हैं ना MISS, या किसी को लिखते हैं एम मिसेस, तो अगर हम क्लियर ना हो कि सामने वाली जो लेडी है वो मैरिड है या नहीं है, तो उनके लिए हम ऐसे लिख देते हैं, दिस इज, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी मत समझ लीजिएगा। चलिए, तो द तृणमूल एंड मिस बनर्जी हैव, चूंकि हम दोनों की बात कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहे हैं और ममता बनर्जी जी की बात कर रहे हैं, दो लोग हैं, इसलिए यहां पर देखिए हैव है। तो द तृणमूल एंड मिस बनर्जी हैव आल्सो शिफ्टेड पोजीशन, शिफ्ट समझते होंगे स्थान बदल लेना, सोच बदल लेना, शिफ्टेड पोजीशंस, इन्होंने अपनी स्थिति को बदल लिया, टू मूव टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल लेवल अल्टरनेटिव, जब ये एक राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प बनाने की फॉर्मेशन यानी एक निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे नेशनल लेवल अल्टरनेटिव पर, उस तरफ टू द बीजेपी, किसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, शायद कम समझे होंगे आप, फिर से देखें, तृणमूल एंड मिस बनर्जी हैव आल्सो शिफ्टेड पोजीशंस, यानी तृणमूल कांग्रेस ने और ममता बनर्जी ने, इन लोगों ने अपनी स्थिति को बदल लिया, टू मूव टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल लेवल अल्टरनेटिव टू द बीजेपी, ताकि बीजेपी के खिलाफ एक राष्ट्रीय विकल्प को फार्म किया जा सके, मीन्स उसका निर्माण किया जा सके, गिविंग अप आइडिया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जब किसी नाउन के ठीक बगल में आप कोई ing फॉर्म लेते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसका अर्थ हुआ है ते हुए ता हुए, तो गिविंग अप द आइडिया ऑफ अ फेडरल फ्रंट, किस चीज के विचार को त्याग करके, गिव अप समझते होंगे त्याग देना, तो गिविंग अप द आइडिया ऑफ अ फेडरल फ्रंट, फेडरल फ्रंट संघीय मोर्चा, यानी संघीय मोर्चे के विचार को गिविंग अप त्यागते हुए ऑफ रीजनल पार्टीज, यानी किनका संघीय मोर्चा, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका, अपोज्ड टू बोथ, जो संघीय मोर्चा बनना था दोनों के ही अपोजिशन में, दोनों के खिलाफ, किन दोनों के खिलाफ, द कांग्रेस एंड द बीजेपी, समझ रहे होंगे, पहले क्या था, एक संघीय मोर्चा बनना था क्षेत्रीय पार्टियों का, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों के विरोध करने के लिए बनना था, इस तरह का फेडरल फ्रंट बनना था, लेकिन हुआ क्या कि गिविंग अप द आइडिया, ये विचार त्याग दिया गया, और क्या किया गया, मूविंग यानी मूव टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल लेवल अल्टरनेटिव टू द बीजेपी, अब ये तय किया गया कि हम कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे, कांग्रेस तो बहुत अच्छी पार्टी है ना, तो हम कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे, हम भाजपा के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे और मिलकर के, सारे मिलकर के भाजपा को हराने की कोशिश करेंगे, सारे मिलकर के एक पार्टी को हराने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, द फेडरल फ्रंट, वो जो संघी मोर्चा था, वाज इसेंशियली द ब्रेन चाइल्ड, याद करें ब्रेन चाइल्ड, कृति रचना सोच, और इसेंशियली अनिवार्यतः यानी मूलभूत रूप से, तो द फेडरल फ्रंट वाज इसेंशियली द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द PRS फाउंडर के चंद्रशेखर राव, यानी वो जो फेडरल फ्रंट था, संघीय मोर्चा बनना था, वह मूलतः द ब्रेन चाइल्ड, सोच थी ऑफ द TRS फाउंडर, TRS तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, ठीक है, यानी इसके जो फाउंडर, इसे संस्थापक के चंद्रशेखर राव जी हैं, उनकी ब्रेन चाइल्ड थी, अर्थात उनकी सोच थी कि फेडरल फ्रंट बने, सभी पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियों का एक संघीय मोर्चा बने, हु, ये हु किसके लिए है, चंद्रशेखर राव जी, ऐसी क्लास को हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं, जो अपने नाउन के बारे में बताते हैं, तो हु कुड नॉट काउंटेनेंस, यहां काउंटेनेंस वर्ब के रूप में,
समर्थन करना, हु कुड नॉट काउंटेनेंस, जो समर्थन नहीं कर सकते थे बीइंग पार्ट, कि वो एक हिस्सा बने ऑफ अ फ्रंट, एक ऐसे मोर्चे का, दैट जो इंक्लूडेड हिज प्रिंसिपल राइवल, राइवल प्रतिद्वंदी, और प्रिंसिपल मुख्य, जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी को शामिल करे। उनका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थी? द कांग्रेस, यानी के चंद्रशेखर राव जी उस मोर्चे को पसंद नहीं कर सकते थे जिसमें उनका मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस शामिल हो। मिस बनर्जी हु सीम्ड, जो प्रतीत हो रही थी वार्म, खुश टू द आइडिया, इस विचार से इनिशियली, शुरू में, शुरुआती तौर पे मिस बनर्जी को यह बात अच्छी लगी। कौन सी बात? एक संघी मोर्चा बने जिसमें सभी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हों, शुरू में उन्हें अच्छा लगा, वो वार्म थी इसके प्रति। लेकिन वाज, ये वाज किसके लिए पता है? मिस बनर्जी के लिए है। कैसे आया? देखिए, पढ़ें, मिस बनर्जी हो गया। अब यहां देखिए वर्ब नहीं आए है, हु सीम्ड, ये एडजेक्टिव क्लास हो गई, यानी मिस बनर्जी की वर्ब जो है अभी वो यहां सब्जेक्ट की छिपी हुई थी। तो मिस बनर्जी वाज क्विक टू रियलाइज, शुरू में तो उन्होंने संघीय मोर्चे का समर्थन किया, वाज क्विक टू रियलाइज, लेकिन जल्दी उन्होंने भांप लिया, समझ लिया, एहसास कर लिया कि सच अ फॉर्मेशन, यदि इस प्रकार के क्षेत्रीय पार्टियों का मोर्चा बनता है जो कांग्रेस और भाजपा दोनों का विरोध करे, वुड बी अनेबल टू माउंट अ सीरियस चैलेंज, तो यह अनेबल होगा, असमर्थ होगा टू माउंट अ सीरियस चैलेंज, एक बेहतर चुनौती प्रस्तुत करने को टू द बीजेपी, किसके लिए? बीजेपी। उन्होंने सोचा अगर हम कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ ऐसा करते हैं तो फिर हमारे लिए भाजपा को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और हराना तो मूलतः भाजपा को ही है ना। इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स, यदि हम एक निगाह से देखें, यदि हम जनता की निगाह से देखें, तो द कोलकाता रैली, ये जो कोलकाता की रैली है, वाज अ शो, ये एक प्रदर्शन थी ऑफ स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति का, फॉर मिस बनर्जी, जिसमें मिस बनर्जी, ममता बनर्जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती। एट द सेम टाइम, कभी कभी एग्जाम में एट सेम टाइम दे दिया जाता है, तो ऐसा न करेगा, एट द सेम टाइम होता है, एट द सेम टाइम, इसके साथ साथ, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव इंपॉर्टेड, देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल है आपका, टू हैव इंपॉर्टेड अ प्रेस इंपल्स, इंपार्ट मीन्स प्रदान करना, ऐसा प्रतीत होता है टू हैव इंपॉर्टेड अ प्रेस इंपल्स, उनके अंदर एक नई शक्ति, नई प्रेरणा जगी हो, टू द एफर्ट्स, कि वो एक प्रयास करें टू पुट टूगेदर अ वाइबल, कि एक उचित, एक समुचित, इफ नॉट एंटायरली कोहेसिव, यदि पूरी तरह से संगठित भी ना हो तो भी एक उचित अल्टरनेटिव विकल्प प्रस्तुत करें टू द बीजेपी, किसके लिए? बीजेपी, यानी बीजेपी के अगेंस्ट वो एक उचित प्रकार का विकल्प प्रस्तुत करें, इफ नॉट एंटायरली कोहेसिव, यदि वो एंटायरली मीन पूरी तरह से, यदि वो विकल्प पूरी तरह से कोहेसिव, संगठित ना हो, फिर भी एक अल्टरनेटिव प्रस्तुत करें बीजेपी के खिलाफ। हाउएवर, जब भी हाउएवर के बगल में कामा हो तो समझने का अर्थ हुआ जो भी हो। दो, यद्यपि ऑल दीज पार्टीज, इन सारी पार्टी जो है, आर एग्रीड, ये सहमत हैं ऑन, याद करें एग्रीड ऑन, किसी चीज पे सहमत होना, एग्रीड ऑन फ्लसिंग आउट द बीजेपी, ये सारी पार्टी सहमत है फ्लसिंग आउट, प्लस समझते हैं ना, फ्लश आउट द बीजेपी, बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना है, सत्ता से बेदखल करना है। दो, यद्यपि ऐसा है लेकिन देयर इज स्टिल द इशू, अभी भी एक मुद्दा है ऑफ रीचिंग एग्रीमेंट्स, कि वो ऐसे समझौतों पर आगे बढ़े एट द स्टेट लेवल, जो समझौते किस लेवल पे हो, राज्य स्तर पे हो, और जब वो राज्य स्तर पे हो एंड अराइविंग, और वो पहुंचे एट अ कंसेंसस, याद है आम सहमति, और वो एक आम सहमति पे पहुंचे ऑन अ कॉमन मैनिफेस्टो, एक आम घोषणा पत्र के रूप में, कॉमन घोषणा पत्र के रूप में, अर्थात सारी पार्टियों का एक घोषणा पत्र हो ऑफ पॉलिसीज, जिसमें उनकी नीतियां हो एंड प्रोग्राम्स, और उनके कार्यक्रम हो। कभी कभी आप देखेंगे PROGRAM प्रोग्राम लिखा होता है, कभी कभी PROGRAMES लिखा होता है प्रोग्राम्स, आप समझें, जो PROGRAM होता है प्रोग्राम, वो अमेरिकन इंग्लिश होता है, और जो सामने आप देख रहे हैं PROGRAMES, वो प्रोग्राम्स
ग्रेटेस्ट इंग्लिश में होता है जो आपके फॉलो करना होता है, ये स्पेलिंग एरर में भी आपको दिया जाता है। चलिए, तो द एसपी एंड द बीएसपी हैव एग्रीड, यानी जो एसपी और बीएसपी हैं ये सहमत हो गई, देखिए हैव एग्रीड प्रेजेंट परफेक्ट, ये दोनों पार्टियां सहमत हो गई हैं ऑन सीट शेयरिंग, यानी जो सीटों का बंटवारा होगा इसके लिए सहमत हैं। बट लेकिन हैव नॉट एकोमोडेटेड, एकोमोडेट मीन्स यहां पर स्थान देना, वैसे एकोमोडेट में आप जानते होंगे एकोमोडेट ढालना भी होता है, तो बट इन पार्टियों ने सपा और बसपा ने हैव नॉट एकोमोडेटेड, जगह नहीं दिए, स्थान नहीं दिया है द कांग्रेस, यानी उस ग्रुप जो उन्होंने बनाया गठबंधन उसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया है, स्थान नहीं दिया है। आल्सो, ये यहां एडवर्ब है जो पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है। आल्सो एक चीज और भी है, क्या कि नेगोशिएशंस विद, अब जैसे देखिए नेगोशिएशंस आए ना, विद अनदर वर्ब नहीं आई है, तो आगे ध्यान रखिएगा वर्ब नेगोशिएशंस के अनुसार रहेगी। तो कह रहे आल्सो इसके अलावा नेगोशिएशंस विद अनदर एलाई, एलाई में संगी साथी सहयोगी, जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ जो नेगोशिएशंस हैं बातचीत है, कौन साथी हमारे हैं उनके, द आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, यानी जो उनके साथी हैं राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ जो नेगोशिएशंस हैं बातचीत है आर येट टू कंक्लूड, आर येट अभी भी टू कंक्लूड, उसका क्या निकलना बाकी है, निष्कर्ष निकलना बाकी, यानी अभी राष्ट्रीय लोकदल के साथ बातचीत होनी बाकी है। द कांग्रेस एंड द जेडीएस, यानी कांग्रेस और जो जनता दल सेकुलर है आर पार्टनर्स, ये पार्टनर्स हैं, सहयोगी हैं एक दूसरे के इन गवर्नमेंट अर्थात सरकार में, बट लेकिन देयर वोट बैंक्स, लेकिन उनके जो वोट बैंक्स हैं ओवरलैप जियोग्राफिकली, अर्थात वो भौगोलिक रूप से एक दूसरे से कहीं कहीं बिलोंग करते हैं, अर्थात दोनों के ही कॉमन वोट बैंक हो सकते हैं। सीट शेयरिंग, जो सीटों का बंटवारा है, इज लाइकली संभव है टू बी अकिन टू नेविगेटिंग अ माइनफील्ड, अकिन मीन्स बराबर समान, सीट शेयरिंग इज लाइकली टू बी अकिन, यानी जो सीट शेयरिंग का मसला है वो शायद समान हो, किस चीज के समान हो, टू नेविगेटिंग अ माइनफील्ड, मानो आप किसी सुरंग के क्षेत्र में क्या कर रहे हो, नेविगेट कर रहे हो, उसमें प्रस्थान कर रहे हो, सुरंग में प्रस्थान करने के बराबर है सीट शेयरिंग अर्थात सीटों का बंटवारा, बहुत मुश्किल है ये कहने का मतलब है। देयर इज आल्सो नो टेलिंग, देखिए टेलिंग यहां जीरंड है, जीरंड मतलब नाउन, और देखिए उसके पहले क्या लगाया गया, नो एडजेक्टिव है ना, तो देयर इज आल्सो नो टेलिंग अर्थात ये भी नहीं बताया गया है कि हाउ कैसे एन अलायंस, एक गठबंधन बिटवीन द कांग्रेस एंड द टीडीपी, देखिए दो लोग हैं कांग्रेस और टीडीपी इसलिए बिटवीन लगाया गया, बिटवीन द कांग्रेस एंड द टीडीपी बिटर राइवल्स हिथर्टो, जो एक दूसरे के क्या है, हिथर्टो मीन्स अब तक, जो एक दूसरे के बहुत कट्टर शत्रु रहे हैं, विल वर्क, कैसे ये काम करेंगे ऑन द ग्राउंड, जमीनी स्तर पर, यानी ये भी नहीं बताया गया है कि वो तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश में एक दूसरे के कट्टर यानी जाने दुश्मन रहे, वो ग्राउंड पर जमीनी स्तर पर एक के दूसरे के साथ कैसे काम करेंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा, ये भी एडवर्ब है यहां पे, ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है, यहां पे एडवर्ब है, द सपोर्ट बेसिस ऑफ दीज पार्टीज, इन पार्टियों का जो आधार है आर वैरीड सोशियो इकोनॉमिकली, वो सामाजिक आर्थिक रूप से वैरीड अलग अलग है, एंड और विदाउट अ शेयर्ड एजेंडा, यदि इनके पास कोई शेयर्ड एजेंडा नहीं यानी एक दूसरे से कॉमन एजेंडा नहीं है फॉर गवर्नेंस, शासन करने के लिए, तो द पॉलिटिकल यूनिटी, तो जो ये राजनीतिक एकता है एट द लीडरशिप लेवल अर्थात लीडरशिप लेवल पे नेतृत्व के मसले पर, नेतृत्व के स्तर पे माइट बी डिफिकल्ट टू सस्टेन, तो इस प्रकार की रिलेशन को माइट बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है टू सस्टेन, बनाए रखना। यहां से फिर देख लेते हैं, यहां से एक मिनट देखें, देयर इज आल्सो नो टेलिंग, यानी ये भी नहीं बताया गया है कि हाउ एन अलायंस, कि किस तरीके से गठबंधन बिटवीन द कांग्रेस एंड द टीडीपी, कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के बीच कैसे एक गठबंधन जो कि बिटर राइवल्स हिथर्टो, जो अभी तक एक दूसरे कट्टर शत्रु रहे, कैसे एक अलायंस
विल वर्क ऑन द ग्राउंड, किस तरीके से वो जमीनी स्तर पे काम करेगा। बिसाइड्स इसके अलावा द सपोर्ट बेसिस ऑफ दीज पार्टीज, इन पार्टी जो सपोर्ट बेसिस हैं आर वेरीड सोशियो इकोनॉमिकली, वो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर वेरीड अलग अलग है। एंड और विदाउट अ शेयर्ड एजेंडा, और जब तक इनके बीच एक शेयर्ड एजेंडा नहीं है फॉर गवर्नेंस, किस चीज के लिए, शासन करने के लिए, तब तक द पॉलिटिकल यूनिटी एट द लीडरशिप लेवल, तब तक नेताओं के लेवल पे जो उनका पॉलिटिकल यूनिटी है, राजनीतिक एकता है, माइट बी डिफिकल्ट टू सस्टेन, उसे बनाए रखना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। चलिए छोटा सा पैसेज ये भी लास्ट देख लें। देयरफोर, इसलिए कंक्लूजन के तौर पे पैसेज है, इसलिए इट वॉज परहैप्स नो सरप्राइज, देखिए सरप्राइज क्या है, नाउन है, इसके पहले नो लग गया, परहैप्स नो सरप्राइज, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं था दैट ही द रैली अवॉइडेड द कंटेंसस इशू, इसलिए इस रैली में क्या किया गया, अवॉइडेड बचा गया, परहेज किया गया, दूरी बनाई गई द कंटेंसस इशू, उस कलह प्रिय यानी विवाद उत्पन्न करने वाले मुद्दे से, कौन सा मुद्दा, ऑफ नेमिंग अ प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, जहां पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम किया जाए, इस चीज से अभी अवॉइड किया गया, परहेज किया गया, यानी जब पूछा गया कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा तो अभी इससे बचा गया, मीन्स परहेज किया गया, लीविंग द इशू, और इशू को, इस इशू को छोड़ दिया गया टू बी डिसाइडेड, इस पर निर्णय लिया जाएगा आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद। द अपोजिशन पार्टीज, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, मे हैव मेड, देखिए मे हैव है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मे हैव मेड अ गुड स्टार्ट, हो सकता है इन्होंने अच्छी शुरुआत की हो, बट लेकिन देर इज मच, लेकिन बहुत कुछ अभी ऐसा है, दे नीड टू सेटल एमंग देमसेल्व्स, जो उन्हें अभी आपस में निपटाना है, बेहतर करना है, टू माउंट अ सीरियस चैलेंज इन 2019, ताकि 2019 के उस गंभीर खतरे, गंभीर चुनौती को माउंट, उसको जीत सके, उसको मतलब पीछे छोड़ सके, और वो चुनौती समझते होंगे भाजपा को हराना है, सारी पार्टियों को मिलकर के उसे हराना है, ठीक है। चलिए ये एक छोटी सी कोशिश है जो आपके फायदे के लिए है, आप ये जरूर पढ़िएगा, एक बार दो बार पढ़ें, पढ़ने से क्या होगा, जो वर्ड्स होंगे वो आपके तैयार हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, इन पैसेज में जितनी भी कॉमन एरर्स मुझे समझ में आया ये आपको दिए जा सकते हैं, ये सारे मैंने यहां आपको दिए, ठीक है, आप इनको क्या करिएगा, इनको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, फिर इन्हें सॉल्व करिएगा, ये मैंने 15 आपको दिए हैं, देख लें ये 15 आपके पास है, इन्हें सॉल्व करिएगा और फिर आप इन्हें हमें बताइएगा, अगर आपकी दिक्कत है बिल्कुल मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा, अगर इस तरह आप करते हैं तो आपके कई सारी चीजें आपके क्लियर होते जाएंगे, आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपका कॉमन एरर क्लियर हो जाएगा, ग्रामर से संबंधित जो चीज मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं वो क्लियर हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना आपको आ जाएगा, वो कैब आपकी बेहतर हो जाएगी, और वो कैब बेहतर होगी तो अपने आप सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं एक आपको करके दे रहा हूं, करें कि They gave up the idea of a federal front. उन्होंने एक संघीय ढांचे का जो विचार था उसको छोड़ दिया, of regional party, जो संघीय ढांचा जो था क्षेत्रीय पार्टियों बनना था, opposed to both Congress and BJP. जो संघीय ढांचा कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ था, ध्यान दीजिए both Congress and BJP. दोनों क्या है, पार्टीज हैं, तो दोनों के पहले द लगेगा, द कांग्रेस एंड द बीजेपी हो जाएगा। ऐसे जो भी 15 सेंटेंसेस हैं सब में मैंने एरर दिया हुआ है, ठीक है, इन सारे के आंसर वास्तव में जो पीछे आपने पैसेज पढ़े वहीं पे हैं, इससे कई फायदे होंगे, आप फिर से उन पैसेज को पढ़ेंगे, खोजेंगे आंसर्स को, तो आपको कहीं कि कॉम्प्रिहेंशन आपका यदि क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसी चीज का आंसर हम पाते हैं। दूसरा, ग्रामेटिकल एरर्स जो होती वो आप सॉल्व करना सीख लेंगे, और फिर इनके बाद मैंने सारे वर्ड्स दिए हैं जो जो इसमें थे इंपॉर्टेंट वो सारे, और फिर इसके बाद भी सारे वर्ड्स हैं, इन सारे को एक एक करके आप तैयार करेंगे तो निश्चित ही आपको। चलिए आप क्या करिएगा, इसे धीरे धीरे लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा, और प्लीज अगर आप सपोर्ट करेंगे तो निश्चित ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं कुछ और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, गुड नाइट।